सरसई नावर के वेटलैंड में हम आ पहुंचे हैं। आज इटावा से उत्तर साइड में लगभग 20 किलोमीटर 25 की दूरी पर ये है, और ये देखिए पर्पल हेरन उड़ता हुआ वहां जा बैठा है। ग्रे हेरन होते हैं और पर्पल हेरन, और उधर की तरफ ये तमाम बैठे हुए लार्ज कैटल ईग्रेट और ब्लैक हेडेड आइविस और स्पूनबिल दोनों थ्रेस की और नीथी फॉर्म्स के पक्षी हैं। दोनों में बहुत ही माइन्यूट अंतर है बीक का। उसकी बीक आगे की तरफ टिप पर ब्रॉड होती है और इसकी कर्व्ड। दोनों प्रूविंग करके अपने जली जंतुओं का शिकार करते हैं और वाटर बॉडी में खास तौर से बेटिंग बर्ड के रूप में या प्रूविंग सिचुएशन में ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये बिलायती बबूल पर बैठे हुए जलकौए या कॉर्मोरेंट, इनको हम पास से दिखाएं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ये ड्रैगन फ्लाई देखने को मिल रही है। ये पायला का सेल और ये शायद डेड है। ये देखिए पायला और ये इसका नीचे का कैप जो होता है सेल में, ये दोनों ये देखिए मुझे डर यहाँ पड़े हुए मिले, और इनका जीव जो होता है अंदर का वो खा गई होंगी चिड़िया। तो ये सेल को खोल लेते हैं। यूनि बाल में आता है गैस्ट्रोपोडा ऑर्डर में। पायला ग्लोबोशा पंजाब को छोड़कर बाकी पूरे भारत के सभी स्टेट्स में धान के फील्ड्स में मोस्टली ऑब्जर्व होता है। और ये एक यहाँ पर ये ग्रे हेरन भी है। कुछ जलकौवे फीडिंग करने के बाद पास के ही पौधों पर विश्राम लेते हैं। ये जलकौवे या कॉर्मोरेंट पानी से उड़ता हुआ जलकौवा जाएगा। ये देखिए पास के पौधे में से अभी तो दूर चला गया ये आता हुआ। ये लेकिन बैठेगा यहीं नियरेस्ट में ही। ये गया, एक और ये जलकौवा उड़ता हुआ, दो और ये देखिए पायला का सेल। ये चिड़िया पानी से इसको पकड़ लाती हैं और बाहर खोल करके इनको खा लेती हैं। ये ग्रे हेरन, इस पहले था पर्पल हेरन, और ये देखिए पानी में स्विमिंग करती हुई चिड़िया, और ये ग्रीन वेजिटेशंस एक्वेटिक। उधर दूर सिंघाड़े तोड़ते हुए लोग, यहाँ सिंघाड़े की खेती बहुत होती है क्योंकि यहाँ पानी बहुत है तो इसमें सिंघाड़ा आसानी से हो जाता है। बस उसकी कोई जोताई वगैरह नहीं, खाद बेल डाल दी जाती है फिर खाद डालते हैं। ये देखिए सिंघाड़े के खेत, कई एकड़ में मैंने यहाँ देखा है सिंघाड़ा होता है। और ये देखिए हम पर नजर टिकाए हुए ग्रे हेरन और उसमें जकाना चिड़िया। ये पूरा आप सरसई नावर वेटलैंड का वीडियो देखिए। इटावा से जस्ट पास एक घंटे से भी कम समय में आप इसको घूम सकते हैं। और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर SB मिश्र भी भ्रमण पर साथ में आए हैं। एक्वेटिक वेजिटेशंस जिनमें जलीय जीवन के लिए हवा से भरे हुए स्टेम ताकि ये पानी में तैरते।